हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही बहुत होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं युगलीना। युगलीना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, TGT PGT के हिसाब से अगर देखा जाए कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। सो जितना भी कंटेंट आज यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है आपको, उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये सारा कंटेंट आपने प्रोवाइड कर लिया, मतलब सारा ही कंटेंट आपने अच्छे समझ लिया, तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बिकॉज जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए उनको एनालाइज करने के बाद जितने की उम्मीद हैं कौन से पॉइंट्स इससे पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक पोर्शन देखेंगे युगलीना का, क्लासिफिकेशन देखेंगे इसके बारे में, कौन से ग्रुप में कौन सी क्लास में इसको इंक्लूड किया गया, वो सभी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइलम देखते हैं युगलीना को, कौन से फाइलम में रखा गया है, दैट इज़ प्रोटोजोआ। युगलीना का जो फाइलम है उसको प्रोटोजोआ में रखा गया है। सब फाइलम की बात करें तो युगलीना का सब फाइलम होता है सार्कोमैस्टिगोफोरा। सुपर क्लास की बात करें तो युगलीना को मैस्टिगोफोरा के अंदर रखा गया है। क्लास की यदि हम बात करें तो फाइटोमैस्टिगोफोरा की क्लास होती है। ऑर्डर है युगलोइनिडिया और जीनस है युगलीना। सो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाले हैं उनके हैबिटेट यानी कि वास स्थान कैसा होता है, कहाँ सर्वाइव करते हैं ये, कैसे वाटर प्रेजेंट रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम हैबिट एंड हैबिटेट में देखने वाले हैं। सो बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो युगलीनोइड जो होते हैं, युगलीनोइड्स के अंदर युगलीना को रखा गया है। इनकी अप्रॉक्सीमेटली लगभग इनकी 1000 स्पीसीज हैं, लेकिन इनका जो सबसे जाना माना जो मेंबर है युगलीनोइड्स का वो होता है युगलीना। इसलिए इस ग्रुप का नाम भी युगलीनोइड्स रखा गया है, बिकॉज इनका सबसे ज़्यादा फेमस मेंबर कौन है, युगलीना ही है। अब बात करते हैं युगलीना जो है बेसिकली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें NaOH की कंसंट्रेशन कम होती है। ये नहीं कि जो हम फ्रेश वाटर पीते हैं उसमें युगलीना पाया जाता है, युगलीना फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जिसका मतलब है कि उसमें NaOH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। अब ये कैसे होते हैं युगलीना जो होते हैं, यूनिसेलर होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोजोआन तो होते ही हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। युगलीना जो है बेसिकली कहाँ रहते हैं, पॉन्ड्स लेक्स में तो रहते हैं, लेकिन बेसिकली जहाँ ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है वहाँ ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो पूरी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सारे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने। और सबसे बड़ी बात कि थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर क्या करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, युगलीना के बारे में बात करते हैं। युगलीना जो है बहुत ही सिंपल टाइप का प्रोटोजोआन होता है, जिसकी सेल में क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कैसे करेक्टर शो करेगा, प्लांट्स की तरह दिखाई देता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बेसिकली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें युगलीना को बेसिकली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर प्लांट्स के गुण भी पाए जाते हैं और इनके अंदर एनिमल्स के गुण भी पाए जाते हैं। अब पहली बात तो यही सामने आ गई कि ये क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है इनके अंदर, तो प्लांट्स लाइक न्यूट्रिशन शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बनाएंगे। जब अपना खाना खुद बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, युगलीना की बहुत सारी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ युगलीना वेरिडिस। बहुत ज़्यादा कॉमन स्पीसीज है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, दैट इज़ युगलीना वेरिडिस। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने प्लांट्स के कैरेक्टर तो देख लिए, प्लांट्स की तरह कैरेक्टर कैसे शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन अब प्लांट्स के गुण तो हो गए, लेकिन एनिमल्स के गुण कैसे दिखाते हैं वो भी देखते हैं। भाई इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर गुलेट प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करते हैं, बॉडी से एक्सक्रेटरी मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि होलोजोइक का मतलब है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं ये, तो इसलिए इनमें। और कभी कभी क्या देखने को मिलता है कुछ स्पीसीज में युगलीना की में, कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है एबसेंट दिखाई देता है, तो इसलिए ये कभी कभी एनिमल्स की तरह भी न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसलिए इनको दोनों की तरह ही, दोनों की कनेक्टिंग लिंक रखा गया है। कहते हैं ना सहसंयोजक कड़ी जो होती है, संयोजक कड़ी, कि प्लांट्स के गुण भी शो करते हैं और एनिमल्स के गुण भी ये लोग शो करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको पहले एल्गी के अंदर भी रखा जा चुका है, जिसका जीनस था कुलेशियम, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट थी सेल वॉल और इनके जो सेल थे वो कैसे थे, नॉन मोटाइल, इसलिए इनको कहा जाता था कि इनके कैसे करेक्टर शो होते हैं, प्लांट्स के करेक्टर शो होते हैं। तो इसलिए मैंने बताया ना, दोनों के ही गुण इनके अंदर शो होते हैं। अब एक बात याद रखना कि हमेशा जो युगलीना है ये सॉलिटरी होता है, यानी कि अकेला रहता है, कभी भी कॉलोनी बना के या कभी भी ग्रुप्स के अंदर युगलीना नहीं पाया जाता है। और कभी कभी मड में कीचड़ जो होती है उसमें देखने को मिलता है, सॉल्ट मार्स में देखने को मिलता है। तो ये तो हुए प्रॉपर हैबिटेट एंड हैबिटेट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि एक्सेल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, कि युगलीना कैसे दिखता है, कौन कौन से ऑर्गेनल इसके अंदर पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चन कई तरह के से पूछे जाते हैं।
जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलना है। एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है, हर हाल में क्रैक करना है। सो बात करते हैं एक्सल मॉर्फोलॉजी की। तो ये युगला का स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ये कॉन्टेक्टल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और कॉन्टेक्टल ये स्टिग्मा होता है जो कि आई स्पॉट होता है इसके पास, ये किस में हेल्प करते हैं, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का युगला दिखाई देता है बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, अपना खाने खुद भी बनाते हैं और एनिमल्स पर निर्भर रह सकते हैं। तो दोनों के ही बीच की संयोजक अड़ियन को कहा जाता है। सेंट्रल लोकेटेड क्या है आपका, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, और पूरी जो बॉडी है इसकी एक पेलिकल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, और ये होते हैं साइटोप्लाज्म जो कि दो पार्ट में बटे हुए रहते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आउटलाइन देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं शेप एंड साइज की। अब हम बात करेंगे युगलेना जो इसका शेप और साइज कैसे होते हैं। तो युगलेना जो है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम युगलेना को देख पाते हैं। यूनिसेलर होते हैं ये, और यूकैरियोटिक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनके पास टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्लैजेलेटेड की बॉडी होती है। एक स्ट्रक्चर और लिया मैंने आपको ताकि आप समझ और बेहतर इनके रिगार्डिंग। सबसे ऊपर से फ्लैजेलम है जो कहाँ से निकला हुआ रहता है, फ्लैजेलम जो है रिजर्वोर जो स्ट्रक्चर है यहाँ से निकला हुआ रहता है। रिजर्वोर फ्लैजेलम बॉडी बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं, और ये बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्टल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। साइटोसोम यानी कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आई स्पॉट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोफेरिंग्स, आप देख चुके हैं ये न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, और ये एंडोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म का दो साइड में दो पार्ट में बटा हुआ, एक तो होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और भी कई ऑर्गेनिज्म इसके साथ प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ये पैरामेलम बॉडीज होती है, और पूरी जो लेयर कवर्ड होती है ये होती है पेलिकल। जो पेलिकल क्या काम करती है, पूरी बॉडी को कवर करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी बॉडी का जो साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 माइक्रोन की बॉडी का साइज़ होता है, और इनकी जो बॉडी का जो सेल होते हैं उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कैसा होता है, फ्लैजेलेटेड होता है बिकॉज फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको फ्लैजेलेट बॉडी कहा जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट के कारण जो युगलेना कैसे कलर का दिखाई देता है, युगलेना दिखाई देता है ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट की वजह से युगलेना जो है हमारा कैसे कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर का। कभी कभी क्या होता है कि युगलेना की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी वाटर सरफेस पर, तो पूरा ही वाटर सरफेस कैसे कलर का दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वहाँ एकत्रित हो जाते हैं युगलेना तो पूरा ही वाटर सरफेस ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में, दैट इज पेलिकल। अब पेलिकल क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं इनके, ये हम देखने वाले हैं। पेलिकल जो होता है युगलेना की हर एक सेल कैसी होती है, बहुत ही पतली से झिल्ली से घिरी हुई होती है। उसे किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, वो माइनियम्स जो होते हैं इनके द्वारा प्रोड्यूस होती है। सेल्स कैसी होती हैं, बेसिकली युगलेना की सेल्स होती है स्पिंडल शेप रहती है। स्पिंडल का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे के किनारे बिल्कुल पतले होते हैं, बीच में जो ट्रंक वाला रीजन बिल्कुल चौड़ा होता है। स्पाइरल ट्विस्टेड होते हैं ये, और कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं टिप से, और एंटीरियर एंड किस में धसा हुआ रहता है, फ्लैजेलम में। इनके अंदर बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, पेलिकल झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अब इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि युगलेना का जो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, कितने हिस्सों में बटा हुआ रहता है, कौन से हिस्से में क्या मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाले हैं। साइटोप्लाज्म में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। युगलेना की हर एक सेल पेलिकल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। साइटोप्लाज्म जो होता है युगलेना का दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक होता है आपका एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म वाला रीजन रहता है, इसमें म्यूसीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला कि ट्यूब्यूल्स जो रहते हैं वो कहाँ पाए हैं युगलेना में, तो ये होते हैं आपके एक्टोप्लाज्म रीजन, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, उसमें म्यूसीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ और भी कई ऑर्गेनली पाई जाती हैं एंडोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्म रहता है बेसिकली ग्रैनुलर रहता है, फ्लूड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंडोप्लाज्म में क्या कंटेन रहता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के फॉर्म में कंटेन रहता है। तो एंडोप्लाज्म में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वोर की। रिजर्वोर क्या था, रिजर्वोर जो युगलेना की हर सेल, यार ये ट्रेन जो है ना, युगलेना की हर सेल के एक सिरे पर फ्लास्क लाइक कैविटी होती है। अब फ्लास्क लाइक कैविटी जो होती है, जिसका इंटरनल पार्ट रिजर्वोर से बाहर धसा हुआ होता है, और बाहर की तरफ किस में खुलता है, साइटोसोम में खुलता है रिजर्वोर का बाहर वाला पार्ट जो होता है फ्लैजेला का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला कैसे होते हैं इनके अंदर, जो फ्लैजेला होते हैं रिजर्वोर के अंदर, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक तो ये कहाँ से निकले होते हैं, बेसिकली फ्लैजेला जो होते हैं ये बेसल ग्रैन्यूल और ब्रीफ्रो फ्लास्क से निकले होते हैं। कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि जो फ्लैजेला रहता है इनमें वो कहाँ से, कौन से पार्ट्स और ऑरिजिन होता है उसका, तो बेसल ग्रैन्यूल या फिर ब्लेफरोब्लास्ट से ये प्रोड्यूस होते हैं। और एक लॉन्ग फ्लैजेला, जो दो तरह के फ्लैजेला, एक छोटा फ्लैजेला होता है और एक होता है लंबा फ्लैजेला। तो लॉन्ग फ्लैजेला जो होता है वो साइटोसोम से बाहर की तरफ निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस बिल्कुल सेंट्रल लोकेटेड होता है, जिसमें कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर की हर सेल कैसे होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, जिसके साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म में बहुत से बड़े आकार का क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बिल्कुल अरेंज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो सेल के अंदर से वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जब वो वाटर को निकालते हैं फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑस्मोरेगुलेशन के नाम से जाना जाता है इस पूरी प्रक्रिया को। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा या फिर जो आई स्पॉट होता है वो कहाँ लोकेट होता है, बिल्कुल फोटोरिसेप्टर की तरह काम करता है यूग्लिना को, रिजर्वोर के लिटल सरफेस पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कि स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन होता है बिल्कुल फोटोट्रॉफिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना क्या करते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, बिल्कुल ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि पाइनोड इनमें कंटेन करते हैं। यूग्लिना क्या करते हैं, सॉलिड फूड को भी इंजेस्ट कर जाते हैं अपने अंदर। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनके अंदर यूजुअली एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सेल डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूड डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में, और ये किसके थ्रू होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है किसका, न्यूक्लियस का, उसके थ्रू इनकी प्रोजेनी इंक्रीज होती है। तो इसी के साथ पूरे लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, जितना भी सेशन मैंने लिया है वो बिल्कुल एक एक लाइन उसकी रट देनी है आपको। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।